बता ये चार्जिंग ग्लो कर रहा है, बट ये स्विच ऑन करने से ऑन होना चाहिए, तो ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ना कि कीबोर्ड का स्विच में ऑन हो रहा है, इसमें ग्लो करना चाहिए लिट, ना कि कोई डिस्प्ले आया है। तो इसको क्या करना है? तो इसी टाइप का इशू अगर आपको मिलता है या आपका खुद का लैपटॉप भी इस टाइप का इशू होता है तो क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले तो हम लोग को चार्जर को ये निकाल देना है एडाप्टर को सॉकेट से, ठीक है। उसके बाद में इसका बैक कवर जो है, इसको सारा स्क्रू को ओपन करना है। ओके, ओपन करने के बाद में बैक कवर का जो है ये निकाल देना है। तो ये अभी जैसे सारा स्क्रू को ओपन निकाल देता है, तो निकालने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? निकालने तो हम लोग को चेक करना है इसका स्विच कहाँ से आया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग को स्विच को टारगेट बनाना है, ठीक है। बोलने का मतलब हो गया स्विच को टारगेट रखना है। पहले तो स्विच को चेक करना है, स्विच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो सारा स्क्रू पहले तो निकाल लेना है, उसके बाद में स्टार्ट करना है जॉब को। सारा स्क्रू को निकाल दिया है, अब क्या करना है हम लोग को, राइटर को अनप्लग कर देना, इसको भी निकाल देना बाहर, ठीक है। अब ये बैक कवर का हम लोग को निकालना है, तो मोबाइल को थोड़ा देर के लिए होल में रखना होगा। अब ये आराम से कवर को निकाल देता है, कवर निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये कीबोर्ड में स्विच है हम लोग का, तो ये कीबोर्ड का अनप्लग कर देना है, ठीक है। कीबोर्ड का अनप्लग कर दिया, और क्या करना है इसको, अभी फ्लैप को हम लोग को ओपन करना होगा। ये फ्लैप को भी ओपन कर दिया। अब हम लोग का ध्यान देना है ये बैटरी चार्ज है कि नहीं है। अगर चार्ज है तो ये सामने में एक नवा बटन स्विच है, ये देखिए ये स्विच है। ओके, ये व्हाइट स्विच जो है इसको प्रेस करना है। ओके, ये देखिए लिड ग्लो किया, क्योंकि कीबोर्ड हम लोग अनप्लग कर दिया। अब ये ऑन हो चुका है देखिए, और इससे इजी क्या चाहिए आपको, ये ऑन हो चुका है। इसका मतलब क्या है, कीबोर्ड का जो स्विच है ये कीबोर्ड ऑलरेडी खराब हो चुका है, ठीक है। इसलिए यूजर ने लेके आया है, अभी ये कीबोर्ड को रिप्लेस करते ही हम लोग का जॉब भी ऑन हो जाएगा। तो इतने काम करना है आपको भी, अगर आपका लैपटॉप में इस टाइप का इशू होता है, ऑन नहीं होता है, तो ध्यान से सुनना है, इसमें एक आवाज़ करेगा, ठीक है। ऑन होता है ऑफ होता है, ऑन होता है ऑफ होता है। तो ये हार्ड ड्राइव जो है, ये ऑफ होने से हार्ड ड्राइव का क्या एक साउंड आता है ना, वो साउंड आपको सुनाई देगा, लेकिन ध्यान से सुनने से, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा लैपटॉप ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर पता भी नहीं चले तो आप डायरेक्ट बैक कवर खोलिए और कीबोर्ड का जो पता है उसको अनप्लग कीजिए, और ये बैक साइड में जो नवा बटन है उसको प्रेस कीजिए। प्रेस करते ही ये ऑन हो जाएगा। अब इससे भी आगे आपको जाना है, अब ये नवा बटन का ये तो आ गया, नवा बटन मेनू आ गया ना, ये स्विच प्रेस करने के साथ साथ नवा बटन मेनू खुल गया। अब इससे आगे जाने के लिए आपको कीबोर्ड चाहिए, यूएसबी कीबोर्ड एक अटैच कर लीजिए, ठीक है। आपका विंडोज वगैरह ओके है नहीं है पता चल जाएगा अभी, जैसे ये कीबोर्ड हो गया यूएसबी कीबोर्ड, कोई भी यूएसबी में हम लोग प्लगिंग कर देगा। और हम लोग क्या करेगा, नॉर्मल क्या लिखा है, नॉर्मल स्टार्टअप लिखा है ना, इसका एंटर प्रेस कर दीजिए। अब ये यूएसबी काहे काम नहीं कर रहा है, यूएसबी तो काम करना चाहिए था, तो ये पोर्ट से डिटेक्ट नहीं करता है क्या? कर लिया, दूसरा यूएसबी में जैसे लगाया काम कर लिया, ये विंडोज भी बूट होने चालू हो गया, ठीक है। अब ये विंडोज बूट हो चुका है, अब यूजर नहीं ओपन करेंगे अभी, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस स्टेप से आप लोग को भी अपना लैपटॉप को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब कीबोर्ड बदल दीजिए, काम हो गया, इतने काम करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो में नया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि नया नया वीडियो आप लोग तक तो पहुँचते रहे, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जरूरतमंद भाई लोग को भी मिल जाए मेरे वीडियो को। अब इसका क्या है, कीबोर्ड को रिप्लेस करना होगा, ठीक है ना। कीबोर्ड को रिप्लेस करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये सर्किट को निकालना होगा, पहले बैटरी को निकालना है, फिर सर्किट को निकालना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ निकालना है, स्क्रीन को अलग कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद में कीबोर्ड को निकालना है, ये पहले भी कोई कीबोर्ड रिप्लेस किया होगा। तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, बैटरी को अभी खोल देता पहले था, क्योंकि नहीं तो शॉर्ट होने का चांसेस रहता है, ठीक है ना। बैटरी पहले खोलना है, फिर हम लोग अनप्लग करना है ये LVDS केबल को, ओके। उसके बाद में वाईफाई को ये खोलना है, उसके बाद में पार्ट पार्ट करके सब निकालना है, उसके बाद में है कीबोर्ड हम लोग रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से देखिए, ताकि खुद का लैपटॉप का कीबोर्ड खुद ही रिप्लेस कर सकेंगे। कीबोर्ड के लिए आपका ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है ना, तो आप लोग ने देख लिया होगा कैसे ऑन किया। ऑन करने के बाद में अगर कन्फर्म हो गया कीबोर्ड का इशू है, तो हम लोग को कीबोर्ड को रिप्लेस करना पड़ता है। तो कीबोर्ड को कैसे रिप्लेस करेंगे ये अच्छा से देखिए। अब हम लोग पहले तो ये बैटरी को अनप्लग करेंगे, तो ये बैटरी का स्क्रू को अच्छा तरीके से खोलिए, ताकि प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो नीचे में स्क्रीन भी है, ठीक है, नहीं तो स्क्रीन दो टुकड़ा हो जाएगा, फिर तो दो दो डिस्प्ले दिखाई देगा, तो उस टाइप का काम नहीं करना है। दो दो डिस्प्ले आने से तो दिक्कत है, यूजर दौड़ा दौड़ा के फिर चार डिस्प्ले बना देगा। इसको अच्छा से खोलना है, ठीक है।
ये प्रपत्र कैसे काम करना है, खोल दिया। अब इसको आराम से खींचिए, निकल गया, इसको अलग करना है। अब हम लोग को क्या करना है, ये एलबीडीएस पत्ता को जो है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल देगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, स्क्रू ड्राइवर, ये नीचे साइड से डाल के ये चिपका हुआ रहता है, आराम से निकालना है, ओके, पत्ता को ख़राब नहीं करना है। अब ये चारों स्क्रू को हम लोग को खोलना है, ये दो स्क्रू इधर है, दो स्क्रू बोथ साइड उधर भी है, ठीक है। तो चारों स्क्रू को हम लोग को आराम से निकालना है, और इधर दो स्क्रू है। अब हम लोग को क्या करना है, ये एलबीडीएस केबल तो निकाल दिया, ये वाईफाई का जो एंटीना केबल है, ये केबल को प्रॉपर तरीके से निकालिए, इसको बढ़िया से ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे लियर में डाल के हम लोग को फिर पैक करना, और हिंज को आराम से यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डालना है, इनको सीधा करना है, ओके, सीधा हो गया, इसको और सीधा कीजिए, और इधर को भी उठाना होगा आपको, ये हिंज निकल उठा दिया। अब आराम से इसको पकड़िए, ये अलग हो गया, आप स्क्रीन को साइड कर देना है, ठीक है। इसको इधर चढ़ा देता है, आराम से रख दिया, साइड कर दिया, और इसको यहाँ लाया फिर दोबारा से। अब हम लोग को क्या करना है, ये टच टच को सावधान से करना है, ओके, ये एक लॉक जो है ना, ये लॉक को बचा के करना है, तो छोटा छोटा लॉक देख रखा है क्लिप, फिर ये क्लिप को लगा देना है, ओके। तो ये सावधान से करना है, ये लॉक अगर टूट गया तो आपका टच वर्क नहीं करेगा, ये तोड़ना नहीं है, तो आराम से, ये हार्ड डिस्क का कनेक्टर है, इसको भी आराम से, ठीक है। उसके बाद ये स्पीकर का जैक निकलना है, और क्या निकलना है, और ये राइटर का सॉकेट है, इसको भी आराम से खोलिए, एक स्क्रू है इसका, इसको निकाल दो भाई, और यहाँ एक स्क्रू है। तो सर्किट का जो तीन स्क्रू होता है, यहाँ दो है, वो एक हो गया, दो दो एक तीन, तीन स्क्रू को खोलने से सर्किट निकल जाता है, ठीक है, ज़्यादा स्क्रू नहीं है। अब हम लोग आराम से इसको सर्किट को निकाल दिया, ठीक है, इसको साइड कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये माइनस लेना पड़ेगा स्क्रू ड्राइवर का, ये माइनस लेके इसको जस्ट एक किनार से उठाना है, ठीक है, ये उठाना है। अब आराम से इसको ये उठा दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले भी कीबोर्ड रिप्लेस किया है, इसलिए इतना ईजी से उठ गया, ठीक है, इतना ईजी से नहीं उठता है। अब इसको क्या करना है, आराम से कीबोर्ड को भी निकालना है, ठीक है, ये आराम आराम से निकालना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना, हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से निकालना है, ये निकल चुका है, ठीक है, ये हो गया कीबोर्ड ख़राब वाला, तो इसको इधर रख दिया। अब ये नया वाला मेरा पास आ चुका है, ये हो गया नया कीबोर्ड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आराम से इसको पोल्टिन से निकाल के बिठाना होगा, ठीक है ना, ये पोल्टिन को भी खोलना होगा, तो निकाल के बिठाएंगे, फिर दिखाएंगे कैसे बिठाना पड़ता है, ओके। अब कीबोर्ड को ये बिठाने के लिए हम लोग को प्रॉपर तरीका से बिठाना है, फिर एक बार देखें, वाह बैठ गया, ये मॉडल नंबर हो गया 330, ओके। और अब इसमें रिपीट आयरन से मारना होता है, ठीक है, आयरन से सारा रिपीट को बिठाना है, ऐसे गरम ततल को लेना है, उसके बाद में इस टाइप से आपको आराम आराम से बिठाना है, ओके। तो पूरा बिठा के दिखाता है, सारा आयरन मार दिया है, ये रिपीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लेट को आराम से बिठाना है, ठीक है ना, कीबोर्ड को सेफ्टी के लिए है, इसका ऊपर से मदरबोर्ड बैठेगा, ठीक है, इसको आराम से बिठाना है। अब इसको भी रिपीट मारना है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से बिठा के इसको रिपीट मारना है अभी सारा, ओके। उसके बाद में मदरबोर्ड को बिठाया जाता है, ठीक है, बिठा दिया पूरा बढ़िया से। अब क्या करेंगे हम लोग, मदरबोर्ड को बिठाना है, तो मदरबोर्ड को बिठाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, ये यहाँ पे घुसाना होगा, ठीक है, ये आराम से नीचे तरफ से ऐसे करके घुसा दिया, आराम से यहाँ बिठाना है, सारा स्क्रू लगा दिया है, यहाँ दो स्क्रू था, यहाँ एक और एक यहाँ। अब टच का ये पत्ता जो है ये यहाँ बिठाना है, और ये हार्ड डिस्क का पत्ता भी बिठाना है, स्पीकर बिठा दिया है, और ये कीबोर्ड भी हो गया, टोटल सारा कुछ लगा दिया, और ये टच लग चुका है, और हार्ड डिस्क का कनेक्टर भी लग चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन को नीचे रखना होगा, उसके बाद में
ये स्क्रीन लेके आ गया। अब ये स्क्रीन का ऊपर में इसको बिठाना है कीबोर्ड का प्लान को। ओके, ये हो गया वाईफाई का एंटीना केबल, सुंदर से लगा दिया। ओके, तो ये एंटीना केबल लग चुका है, और हिंज वगैरह का भी अभी स्क्रूप लगा देगा। दो दो स्क्रूप लगना है यहाँ पे, एक लगेगा। और एक डाउन साइड में लगेगा, और एक स्क्रू ऊपर साइड से बेस से लगता है, ठीक है ना, बेस के ऊपर से। जबकि कवर लगने के बाद में, बैक कवर लगने के बाद में ऊपर से एक स्क्रू लगा जाएगा इसमें, ठीक है। और दो इधर लगेगा, कहाँ गया स्क्रू? हम बैटरी को प्लग करेंगे, इसको प्लगिंग करना होगा, आराम से इसको लगाना है, ठीक है ना। और यह बढ़िया से सेट कर देना है, उसके बाद में स्क्रू लगाना है। एक तो यहाँ लग जाएगा, और एक इधर लगेगा। और एक यहाँ पे लगाना है, और एक यहाँ पे लगा देना है। हो गया है। अब ये बैक कवर को आराम से बिठा देना है, ओके, और सारा स्क्रू लगा देना है। अब ये राइटर को भी डाल देना है इसमें, ठीक है। राइटर को लगाने के बाद में एक स्क्रू लगा देना है। अगर वीडियो का पसंद लगे तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखें, ताकि नया नया वीडियो मिलते रहेंगे आप लोग को। और जरूरतमंद भाई लोग को भी शेयर कर दीजिएगा। अब इसको फ्लैप को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब ऑन करके देखता है, फर्स्ट टाइम ये ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका स्विच कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड ख़राब होने का रीज़न से ये ऑन नहीं हो रहा था। तो आप लोग को दिखा दिए क्या टाइप से ऑन करने से हम लोग चेक कर पाएंगे, विदाउट कीबोर्ड भी हम लोग ऑन कर सकेंगे, ठीक है। नवा बटन की जो है उसको प्रेस करने बाद ऑन कर पाएंगे आप लोग। तो आप वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।